दोस्तों, मैं आपका डेयरी फार्मर दोस्त मधुसूदन हाजिर है फिर से नई और सही जानकारी के साथ। आज का जो वीडियो मैं शेयर कर रहा हूँ कि हमारा जो नेक्स्ट कदम है डेयरी फार्मिंग में क्या रहने वाला है, और हमारी एक गाय जनने को तैयार है, यानी कि लगभग 20-22 दिन में जन सकती है, तो उसका भी मैं प्रॉपर वीडियो शेयर कर रहा हूँ, और कितना उसने मिल्किंग किया है, पिछली बार हमने कहाँ से खरीदी थी, तो वह सारा कुछ मैं शेयर करूँगा, और हमारी गाय का लंपी का जो क्या लक्षण है अभी, वह भी मैं शेयर करूंगा। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक ताकि सही जानकारी आपको मिल सके। अगर आपको वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक जरूर करें, ताकि रोजाना हमारी वीडियो आपको मिल सके। ताकि हमारे फार्म पर कुछ गायें हमने अभी सेल कर दी हैं फिलहाल, और एक से दो गायें वापस से जनने को आ रही हैं, तो एक यह गाय है, तो इसका वीडियो मैं आपको बाद में शेयर करूँगा, और जो अभी लेटेस्ट जनने को तैयारी है उसका मैं वीडियो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। और यह वाली वह गाय है, काफ़ी अच्छी ब्रीड क्वालिटी है, काफ़ी अच्छी हाइट है, काफ़ी अच्छी लेंथ है, आप देख सकते हैं, और आंचल का गेप, आंचल की साइज़ काफ़ी पिंक वाला अडर है, और आप आंचल सारे देख सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा मिल्किंग इसने पिछली बार किया था। इसका मिल्किंग रिकॉर्ड जो है पिछली बार का लगभग 22 से 25 लीटर रहा है, और इस बार मेरे ख्याल से 30 लीटर इसको देना चाहिए, तो काफ़ी अच्छी लेंथ है। आप ब्रीड की क्वालिटी, आप यदि गाय परचेस करना चाहते हैं तो इस प्रकार की गाय का सिलेक्शन यदि आप करते हैं, काफ़ी अच्छा बेनिफिट आपके फार्म पर होने वाला है। इस गाय में एक ही समस्या है, केवल और केवल इसके खुर की। खुर आप देख सकते हैं, खुर इसको बनवाना ज़रूरी होता है, हमें लगभग साल में एक बार इसके खुर बनवाने पड़ते हैं, यदि प्रेग्नेंट नहीं है उस टाइम इसके खुर हम बनवा लेते हैं, तो खुर काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ करते हैं इसके, और बाकी बॉडी अच्छी है, साइज़ अच्छी है, तो आप इसकी लेंथ देख सकते हैं, आप इसकी हाइट देख सकते हैं, और आप इसके आंचल प्रॉपर देख सकते हैं, तो इसके जनने का वीडियो मैं आपसे शेयर करूँगा, और इसका जो मिल्किंग रिकॉर्ड है अगली बार में मैं शेयर करूँगा। इस बार यह थर्ड लैक्टेशन में है, सेकेंड में हमारे पास आई थी, और यह हरियाणा से बठिंडा के आसपास से आई थी, और काफ़ी अच्छा इसने मिल्किंग किया है, तो आप देख सकते हैं। बाकी गाय भी मिल्किंग में है, एक वह मिल्किंग में है, एक यह वाली, और एक अभी जो जनी है यह वाली। इसका जो अभी मिल्किंग काफ़ी अच्छा चल रहा है, लगभग 10 लीटर मिल्किंग कर रही हैं, और बच्चा अलग से लगभग 2 लीटर दूध पी रहा है, यानी कि 11-12 लीटर यह मिल्किंग कर रही है। अभी अडर में हल्की सी स्वेलिंग आप देखने को मिल सकती हैं, तो थोड़े दिन में स्वेलिंग जो है ख़त्म हो जाएगी, और काफ़ी अच्छा मिल्किंग यह अभी फ़िलहाल फॉर्म पर कर रही हैं। उसके बाद कुछ एक गायें और जनने वाली हैं, तो उनका भी मैं आपसे डिटेल शेयर करता रहूँगा, और अभी फार्म थोड़ा सा खाली ज़रूर लगने लगा है, आप देख सकते हैं, तो पहले काफ़ी भरा भरा लगने लगा था, और अभी हमारे पास जो एनिमल हैं लगभग 3 गायें बड़ी गायें कम हो चुकी हैं, और 3 छोटे बच्चे, तो उस हिसाब से फार्म थोड़ा सा पशु कम हो गए हैं, तो थोड़ा सा पशु कम करने का रीज़न यही है कि थोड़ी सी बीमारी हमारे फार्म पर आ गई है, और अभी बीमारी के वायरस जो हैं काफ़ी ख़तरनाक तरीके से फैल रहा है, डे बाय डे ज़्यादा फैल रहा है, इसी वजह से थोड़े से एनिमल हमने कम कर लिए हैं। उसके बाद में फार्म पर एक बछड़ी को लंपी हो गया है, तो उसका ट्रीटमेंट हमने अच्छे से करवा लिया है, और ट्रीटमेंट में उसने काफ़ी सुधार हो चुका है उसमें, और जो है उसके एक घाव छोटा सा बन चुका है, और घाव से जो पस है वह निकल चुका है। खाना पीना अभी कर रही हैं, काफ़ी अच्छा व्यवस्थित तरीके से वह सर्वाइव कर रही हैं, और उसका एक शेड अपना खुद का अलग ही शेड बना दिया है एक ही एनिमल के लिए, तो उस शेड में वह ही रह रही हैं, बाकी एनिमल दूसरे शेड में है, और आप देख सकते हैं यह वाली गाय भी काफ़ी जल्दी जनने वाली हैं, तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत हमें एक आ गई है कि पिछली बार इसे जब खुर पका हुआ था तो उसमें थोड़ा सा थनेला हो चुका था, तो थोड़ी सी यह दुबली वगैरह लग रही होगी आपको, बट एक महीने में जनेगी, इतने व्यवस्थित हो जाएगी। यह वाली है, यह प्रेग्नेंट नहीं हुई है, तो इस बार हम इसे बोल से प्रेग्नेंट करवाने वाले हैं, तो इसकी टेबलेट वगैरह हम लोग कंटिन्यू दे रहे हैं, और 20 दिन बाद इसकी AI हम करवाने वाले हैं। बाकी बच्चे 2 प्रेग्नेंट हैं, एक की AI होना है, तो बहुत जल्द हिट में आ सकती हैं। यह वाला मेल काफ है, काफ़ी अच्छी ब्रीड में है, और अभी फ़िलहाल फार्म पे सब ठीक चल रहा है, थोड़े से उतार चढ़ाव जो हैं आते रहते हैं, और डे बाय डे यह गाय अच्छी ग्रोथ करेगी तो मैं वीडियो शेयर करता रहूँगा। उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट प्लान है डेयरी फार्मिंग में, तो अभी थोड़ी सी बीमारी कम होने के बाद में
फिर से थोड़े से एनिमल बढ़ा लेंगे। और मिल्किंग वाले एनिमल हमारा प्लान है कि केवल और केवल 5 से 6 मिल्किंग वाले अच्छे एनिमल रखें, जिसमें 2 बच्चियां हमारे घर की तैयार हो रही हैं, उसके अलावा 2-3 गायें और हैं हमारे पास जो अच्छा मिल्किंग कर रही हैं। तो यही 5-6 गाय रखें और उसके बाद में हम काफ का ट्राई कर रहे हैं कि अच्छे काफ हमें 1 साल के मिल जाएँ, जो आते से ही लगभग 1 या 2 महीने के अंदर हमारे फार्म पर उनकी AI हो जाए और उसके बाद में हम उन्हें सेल कर दें, या आगे यदि फार्म रखना हो तो बढ़ाना हो तो 1 साल बाद हम उन्हें रख सकते हैं। तो यही अब हमारा प्लान चल रहा है। तो थोड़े बहुत बच्चे जो हैं हमने परचेस कर लिए हैं, उसमें AI भी हो गई हैं कहीं सारे बच्चों की, उसी में से वह बच्ची हैं जिसको लंपी का जो रोग हुआ है। बाकी 20 बच्चे हमने परचेस कर लिए हैं, सारे ABS के सीमन के बच्चे हैं, काफ़ी अच्छी ब्रीड वाले हैं। तो उनका भी वीडियो मैं शेयर करता रहता हूँ, कल उनका वीडियो शेयर करूँगा कि अभी क्या ग्रोथ हुई है हमारे बच्चों वाले फार्म पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में नई और सही जानकारी के साथ।